लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए तक खर्च करते हैं, वो 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से उतना काम करके देने के वाला मशीन लेकर के आया हूँ। मतलब 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की मशीन यानी 8 लाख का बिजनेस सिर्फ 1 लाख रुपए में आप चालू कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे, एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नए रोजगार के साथ। रोजगार के नए नए वीडियोस तलाशते हुए, नए नए आइडियाज तलाशते हुए आज हम फिर से पहुंच चुके हैं भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेज में। ढेर सारी मशीनें यहां से आपने देखी होगी, ढेर सारी वीडियोस हमने आपको यहां से दिखाया है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा से यही रहता है कि नई नई मशीनों से रूबरू आपको करवाए, नए नए मशीनों का इंट्रो आपको करवाए, ताकि आप नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। बहुत सारी मशीनें आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, लेकिन कुछ बड़ी मशीनें हैं जिसके बारे में जानकारी मिली है कि जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके जो बड़ी बड़ी प्लांट लोग लगाते हैं और आटे की मैन्युफैक्चरिंग फ्लावर मिल के लिए, वो ही चीज आपको बहुत ही कम पूंजी में सिर्फ एक मशीन लगा करके शुरू किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कौन सी मशीन है, ज्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ के ओनर गुप्ता जी को बुलाते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आपके पास एक बार फिर से पहुंच चुके, हमें ये जानकारी मिली है कि आप जो बड़ी बड़ी प्लांट लोग लगाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, उसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में सिर्फ सिंगल मशीन के साथ शुरू करवा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ कि लगभग 250 किलो का प्रोडक्शन वाला अगर कोई आदमी प्लांट लगाता है तो लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए तक खर्च करते हैं, वो 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से उतना काम करके देने के वाला मशीन लेकर के आया हूँ। और ये मशीन जेन्युइनली चेक किया हुआ है, कस्टमर चला रहे हैं और काफी संतुष्ट है। मतलब 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की मशीन यानी 8 लाख का बिजनेस सिर्फ 1 लाख रुपए में आप चालू कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास दो ऐसी मशीनें हैं, एक तो आपके सामने ये है और दूसरा हमारे पास ये है। दोनों मशीन अपने आप में एक प्लांट से कम नहीं है प्रोडक्शन में, दोनों ही मशीन को आप चला सकते हैं 10 HP, 15 HP और 20 HP पे। अगर इस मशीन को 20 HP मोटर पे आप रन कराते हैं तो लगभग घंटे का प्रोडक्शन 250 किलो निकलने वाला है। और अभी आप मार्केट में पता करिए कि 250 किलो प्रति घंटे प्रोडक्शन करने वाली प्लांट अगर कोई लेते हैं तो लगभग 7 लाख से कम में नहीं आती है। वो आपको 1 लाख रुपए में आपको देते हैं, 20 HP का मशीन लगाना है और आपको घंटे का प्रोडक्शन 250 किलो निकालना है। 7 लाख 8 लाख रुपए की आती है और उसमें भी कई सारी मशीनरी ऐड रहती है जो बहुत ज्यादा जगह करती है। हाँ, जगह भी पहुंचा जगह लेती है, तो जिनके पास जगह का अभाव है, बड़ा सेड नहीं है, वो नहीं कर सकते। लेकिन इस मशीन को आप 10x10 के कमरे में लगा करके चालू कर सकते हैं, इसमें आपका गेहूं भी स्टोर कर सकते हैं, आटा भी पीस सकते हैं, क्योंकि इस मशीन को तो 3x4 का जगह चाहिए, बाकी का स्पेस में आपको रहना है और आपके सामान को रखना है, कोई रॉ मटेरियल को रखना है, तो 10x10 के कमरा से चालू कर सकते हैं इसको। मतलब ये मशीन अगर आप लगाते हैं तो बेनिफिट ये होगा, क्योंकि अगर 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी और कस्टमर के पिसाई में फोकस आपका कम ही रहने वाला है, तो वहाँ एक इनकम का स्रोत जो है आपको कम हो जाएगा। इस मशीन से एक बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर का तो आप पिसाई पूरी तरीके से कर सकते हैं, जैसे करते वैसे कर ही सकते हैं। उसके बाद अपना अगर पैकिंग के सेक्टर में आ रहे हैं तो वहाँ भी इस मशीन का बेहतर यूज आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि अगर कोई प्लांट लगाता है तो वहाँ पे कस्टमर की पिसाई नहीं होती है, तो एक इनकम आपका मर जाता है। इस मशीन को लगा करके 2-4 हजार रुपए तो आप लोगों का गेहूं पीस के कमा सकते हैं, साथ में आपके पास सेकेंड वाला ऑप्शन है जो प्लांट लगा के पैकिंग करता है, तो आप इसमें पैकिंग भी कर सकते हैं। इस दोनों ही मशीन में हमारे पास साइक्लोन में भी अवेलेबल है, अगर कोई लोग चाहे तो साइक्लोन में भी ले सकते हैं पैकेजिंग करने के लिए, नहीं तो जो लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में जाइए तो बिना साइक्लोन का भी ये मशीन चलेगा। इस मशीन में टोटल हमने आगे की तरफ 8 मीटर दिया है, पीछे की तरफ 4 मीटर दिया है और ये डबल चेंबर की मशीन है। देख सकते हैं यहाँ से सामने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 मीटर इसमें है और पीछे की तरफ 4 मीटर है, मतलब टोटल इसमें 12 मीटर है। 18 इंची का इसका फ्रंट चेंबर है और लगभग 12 इंची का आपका अंदर का चेंबर है और काफी बड़ा बड़ा चेंबर है। और एक बहुत बड़ा अपडेट है, इसका हॉपर भी हमने लगभग 60 kg का दिया है, 30 इंची के लगभग का इसमें हॉपर है, 1 फीट से ज्यादा इसमें डेप्थ है और 60 kg का लगभग इसमें हॉपर की कैपेसिटी है, मैग्नेट वगैरह इसमें आराम से आ जाता है। पूरी मशीन जो है एकदम कह दीजिए कि मजबूती से भरी हुई है और इसमें लंबे समय तक अगर आप चलाएं, इसके लिए इसमें हमने पेडिस्टल में ऑयल वाला सिस्टम दिया है। ऑयल वाला सिस्टम होने के वजह से
और लगभग आपको कह देंगे लगातार 18 घंटे भी चलाते हैं तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है, तो इसलिए ये मशीन बेस्ट है। उसी प्रकार से हमारे पास ये मशीन है, ये भी मशीन हमारा डबल चेंबर का है, 6x4 ब्लेड का है। इसमें हमने आगे की तरफ 4 ब्लेड 6 ब्लेड दिया है, पीछे की तरफ 4 ब्लेड दिया है, लेकिन इसका 20 इंची का हमने चेंबर कर दिया है। ये 18 इंची के चेंबर में, 20 इंची के चेंबर में। इस मशीन की कैपेसिटी भी लगभग 250 किलो का है, 20 एचपी पे चला सकते हैं। हॉपर इसका भी हमने लगभग 50 केजी का दिया है, काफी स्टैंडर्ड हॉपर है और बहुत ही मजबूत मशीन ये भी है। आप चाहे तो इससे भी एक प्लांट का काम निकाल सकते हैं। दोनों मशीन आपको सेम ही प्राइस रहने वाली है। और कह दूं कि अभी तक जिन कस्टमर को दिया हूं तो हल्का मचा रहे हैं, काफी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। भारत मशीनरी से अगर जुड़ के आप इस मशीन को लेते हैं तो मैं दुपन गुप्ता एज ए मार्केट कंसल्टेंट, एज ए सेल्स एक्सपर्ट, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, कैसे उसको एक अच्छा पोजीशन देना है, इस बारे में भी आप हमसे पूरी सलाह ले सकते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं, महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह चलाती है, नौजवान युवा अपना लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके आज एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप कर चुके हैं। उनकी प्रोडक्ट भी काफ़ी डिमांडिंग है क्योंकि आज के टाइम में सब लोग लोकल फॉर वोकल के लिए तैयार हैं। आप अपना जो भी है सत्तू आटा बेसन पैकेजिंग करके अगर मार्केट में बेचते हैं तो लोग खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं हमें ब्रांड ही चाहिए, अब हमारे लोकल जो ब्रांड बनाते हैं लोग, वो लोग भी आराम से मार्केट में परचेजिंग कर रहे हैं लोग और आपके प्रोडक्ट को जगह मिलेगा। तो अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ मशीनें नहीं मिलेगी, आपको कंसल्ट भी ये करेंगे। कैसे कंसल्ट करेंगे थोड़ा सा हम नमूना भी देख लेते हैं। जैसे गुप्ता जी 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो लोग शुरू करते हैं पूरा प्लांट लगाते हैं तो उनको कस्टमर के पीछे नहीं करने का, वो एक इनकम तो कम हो गया, उसमें मैन पावर ज्यादा लगता है, इसमें कम लगेगा, तो सिंगल मैन पावर से शुरू किया जा सकता है। सिंगल मैन पावर से ही शुरू करना है सर। हम हमेशा कहते हैं बिजनेस की एक छोटी इकाई से अगर आप चालू करते हैं बिजनेस को तो आप जो है बर्बाद होने का आपकी पॉसिबिलिटी कम होगा, आप नुकसान में कम जाएंगे। अगर आप मान लीजिए एक प्लांट रन नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम आप लोगों का पिसाई करके दिन का 4-5 हजार रुपए कमा सकते हैं, 4,000-2,000 कमा सकते हैं, कभी भी आप नुकसान में नहीं जाइएगा। एक साल के अंदर क्या 6 महीने में आपका पैसा आपका निकल जाएगा लोगों का पिसाई करके। लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक फैक्ट्री का रूप देना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट में। जब आपका इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो जाए, जब आपके प्रोडक्ट काफी ज्यादा डिमांडिंग होने लगे तो एक चक्की और लगा देना है, दो चक्की और लगा देना है। इस तरीके से जो है आप चाहे तो बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आगे चल के बढ़ाना चाहते हैं, पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं प्रॉपर, तो उसके लिए भी आप गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर अटैच करके 4-5 मशीन का प्लांट भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जो भी साइक्लोन होता है, एयरलॉक होता है, सारा कुछ, एलिवेटर वगैरह सब कुछ, सारा चीज प्रोवाइड, सब कुछ प्रोवाइड करके ये देंगे आपको, वहां से शुरुआत करके देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हम जरूर बताइएगा। अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं, भारत मशीनरी का नंबर आपको डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली विजिट करके आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एड्रेस सर बता दें। एड्रेस हमारा भारत मशीनरी जो है वो महुआ में पड़ता है, महुआ बिहार के वैशाली जिले में है, पटना मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के बीचों बीच हाजीपुर आता है, उसी के निकट हमारा एक महुआ शहर है। यहाँ पे आपको आना है, आकर के जो है से कि आप विजिट करना है, विजिट करके जो मशीन आपको पसंद आए आप साथ में लेके जा सकते हैं, या फिर हम आपको साथ में भेज देते हैं, या फिर अगर आप नहीं आना चाहते, डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल कर रहे हैं, इस पे आप कॉल करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सारी मशीनें के बारे में जानकारी लीजिए, देखिए समझिए, जो मशीन आपको पसंद आए उसकी रेट समझिए, उसका 20% अमाउंट आपको हमारे यहाँ जमा कराना है और कैश ऑन डिलीवरी मतलब COD कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से आपके दरवाजे पे मशीन जब चला जाए तो 20% के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा आपको वहां पे दे करके अपनी मशीन छुड़ा लेनी है। तो चलिए दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी में आप मशीन अपने घर तक मंगवा सकते हैं। वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी नए आइडिया किसी नए रोजगार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।